मामा मामा क्या हुआ? जुनैरा से आपने बात की एमन के बारे में? क्या आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? जुनैरा की मामा पूछ रही थी कि अली किसी को पसंद करता था तो शादी क्यों नहीं की, तो मैं क्या कहती? उन्होंने पूछा और आपने सब बता दिया है ना? भाई मैंने कहा वो अपनी खालाजात को पसंद करता था, उसकी शादी हो गई, और क्या कहती मैं? क्या बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरी मोहब्बत की दास्तान सबको सुनाई जाए और इस बात का तमाशा बनाया जाए? तमाशा हम नहीं बना रहे, तुम खुद ही बना रहे हो। क्या बात कर रही है, मैं तो इमन का नाम तक नहीं लेता। लेना भी नहीं चाहिए। मामा मेरे बारे में लोगों से डिस्कस करना छोड़ दें प्लीज। लोग मुझसे जब ये पूछे अपने अकलौते बेटे की शादी क्यों नहीं करती, तो क्या कहा करूँ उन्हें? वो होते कौन है कि हमारे बारे में पूछे और हम उन्हें क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दें? और जुनैरा की तो खूब क्लास लगाई है मैंने, अब कॉल भी नहीं करेगी मुझे। और आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक छोड़ दिया तुझे तेरे हाथ। तुम्हारे ताया नहीं आ रहे। क्यों? मेरा मतलब है वाकई? दादी तो तुम्हारी बहुत परेशान है, लेकिन सच पूछो मुझे बहुत खुशी है। अच्छा है ना, ना वकार से सामना होगा, ना कोई मसला होगा, और ना वो खामखा तुमसे शिकवा करता कि क्यों बुलाया। जी ये तो है। वैसे एक लिहाज से अम्मा ठीक ही कहती, जब तक बाप बेटे का आमना सामना नहीं होगा, मिलेंगे नहीं, तो शिकवे कैसे दूर होंगे। तुम समझाया करो ना वकार को बेटा। अम्मी वो जहाँ पर ठीक है, मैं क्या समझाऊं? चलो ठीक है। अम्मी वो मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। आप ना वकार को शुजात भाईजान के बारे में ना बताओ। बेवकूफ समझा हुआ है क्या? क्यों बताऊंगी मैं भला? यही कहना था ना कि कुछ और बात करनी है? नहीं यही कहना था। बेटा मैं जानती हूँ जब लड़कियां अपने घरों की हो जाती हैं, उन्हें अपने शौहरों की खुशी और पसंद नापसंद की परवाह माँ बाप से भी ज्यादा हो जाती है। अच्छी बात।